नमस्कार, मैं सतीश प्रजापति, मुख्य शिक्षक बाकरोल प्राइमरी स्कूल गुजरात से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दिनांक 8 और 9 नवंबर स्टेट इनोवेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन सोलापुर के माध्यम से 2 दिवसीय नेशनल एजुकेशन इनोवेशन कॉन्फ्रेंस 2021 लोनावाला महाराष्ट्र में रखी गई थी। उस कॉन्फ्रेंस में हमारे गुजरात से 10 इनोवेटिव टीचर्स ने भाग लिया था। सबसे पहले हम लोनावाला जाने के लिए ट्रेन से 10 टीचर लोग निकले थे। लोनावाला बस स्टैंड पर पहुंचते ही वहां के कोऑर्डिनेटर श्री सिद्धराम जी ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया। दूसरे दिन हम जब कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे तो हमारा स्वागत एक बहुत अच्छे से किट से हुआ। जो किट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला हमें एक बैग दिया, तो जो बैग है वो उस पर लिखा है नेशनल लेवल एजुकेशन इनोवेशन कॉन्फ्रेंस और IIM अहमदाबाद और सभी जो संस्था है इसके लोगो लगे हुए हैं। उसी बैग में कई तरह की चीज़ें डाली हुई थी। जैसे सबसे पहला हमारी जो पहचान है वो पहचान एक अलग कार्ड आई कार्ड द्वारा होती है, तो एक आई कार्ड उसमें से निकला था। आई कार्ड के बाद अभी हम सब जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा था, तो उसका भी उन्होंने ध्यान रखकर एक मास्क दिया गया था, साथ में सैनिटाइजर की बोतल भी दी गई थी। उन्होंने करीबन अच्छे से अच्छे ध्यान रखा कि जो समय है उस समय पर क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें उस किट में दी गई थी। सैनिटाइजर भी दिया गया था, साथ में एक नोटबुक दी गई थी जिसमें लिखा है आविष्कार। आविष्कार यानी नवाचार, बच्चों में क्या नया आविष्कार करें, बच्चे क्या नवा आविष्कार करें। उसमें डाइट है, IIM अहमदाबाद है और सर फाउंडेशन की तरफ लोगो लगे हुए हैं और उसमें लिखने के लिए हमें दिया गया था। बाद में उसमें एक सर्टिफिकेट भी दिया गया था जिनमें पार्टिसिपेंट करने के लिए हम अपना नाम लिखकर उसको यूज़ कर सकते हैं। बाद में उनमें पेंसिल रखी गई थी। ये जो पेंसिल है वो उस पर नाम लिखा है सर फाउंडेशन महाराष्ट्र नवोन्मेष, तो वो एक बहुत बढ़िया पेंसिल रखी गई थी। साथ में एक पेन दिया गया था, उस पेन में ऊपर बीज रखा है। पेन यूज़ करके वो जो बीज है वो बीज हम कहाँ भी डाल देते हैं तो उसमें से एक पौधा निकलता है। बहुत अच्छा सा कार्य करके हमने वो ये पेन दिया है। और साथ में वहाँ एक जो टीचर आए थे वो टीचर के पास से हमने ये पेंसिल दिया है। वो पेंसिल कैसा है कि बच्चे पेंसिल का उपयोग तो करते हैं मगर ये नवाचार पेंसिल है। हम जो इनोवेशन करते हैं वो एक इनोवेशन है कि बच्चे जो पेंसिल लेते हैं तो यहाँ हिंदी में मूलाक्षर लिखे हैं क ख ग, तो बच्चे पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी, साथ में दोनों काम करेंगे। वैसे एक पेंसिल है ABCD का, उसमें पूरी ABCD लिखी है, बच्चे ABCD पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। दूसरी एक पेंसिल है उसमें 1 से 10 तक अंक लिखे, ऐसी कई सारी पेंसिल थी, 1 से 100 तक थी। तो हमने भी एक पेंसिल मंगवाई है और हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे इसको बताकर वो लिखते लिखते कुछ नया इनोवेशन करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें इस बैग में से किट के रूप में मिली है। फिर बाद में जो टीचर्स बाहर के स्टेट से आए हुए थे महाराष्ट्र के सिवा, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा स्वागत किया और वहाँ हमने एक ट्रॉफी दी कि प्रमुख अतिथि, हम अतिथि के रूप में वहाँ गए थे तो पहले हमारा स्वागत ये ट्रॉफी के माध्यम से किया गया और सबके सामने हमारे गुजरात के जो 10 टीचर थे उन सभी का अच्छी तरह से ये ट्रॉफी देकर सम्मान पत्र दिया और हमें बहुत अच्छा लगा। अब क्या करते हैं कि ये जो सर फाउंडेशन संस्था है उन्होंने करीबन 1 साल पहले हमारे पास से हमारे इनोवेशन मंगाए थे, हमारे नवाचार मंगाए थे,
तो हमने यहाँ जो बच्चों के लिए जो नवाचार किया था, मेरा जो इनोवेशन था एक कदम डिजिटल ज्ञान की ओर। हम सब जानते हैं कि आज डिजिटल डिजिटल माध्यम का उपयोग बहुत बढ़ गया है, तो हमने बच्चों के लिए ऐसे कई सारे कैलेंडर बनाए थे। और वो जो कैलेंडर थे, वो कैलेंडर ऐसे बनाए थे कि जो हम जनवरी से दिसंबर तक जो जो कैलेंडर में जो जो लगभग तरीके है कि हम वैज्ञानिक का कैलेंडर लेते हैं, तो जनवरी में जिन वैज्ञानिकों का जन्मदिन आता है उसी के ऊपर उसके फोटो रखी, और फोटो के बाद हमने क्या किया कि उसके बाजू में QR कोड रख दिया कि बच्चा वो QR कोड स्कैन करके सर आइजैक न्यूटन का वीडियो देख सके और सर आइजैक न्यूटन का जीवन परिचय जान सके। ऐसे सारे कैलेंडर्स मैंने बनाए थे। तो वो जो मेरा इनोवेशन था वो सर फाउंडेशन ने पसंद किया और हमें टीचर इनोवेशन नेशनल अवार्ड के लिए हमारा पसंद किया। तो सबसे लास्ट में उन्होंने सर फाउंडेशन सोलापुर ने हमारा टीचर इनोवेशन अवार्ड देकर हमारा सम्मानित किया। उसमें हमको उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया, बहुत बढ़िया सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं टीचर इनोवेशन अवार्ड 2020। वो सम्मान प्रमाण पत्र देकर हमारा सम्मान किया और साथ में एक बहुत अच्छे से ट्रॉफी दी गई जिन्होंने, ये अवार्ड की ट्रॉफी है जिनमें मेरा नाम भी लिखा है, प्रजापति सतीश कुमार पुंजाबाई टीचर इनोवेशन अवार्ड 2020। तो ये सारी चीज़ देकर मेरा सम्मान वहाँ हुआ। तो ये सम्मान के लिए मैं सर फाउंडेशन सोलापुर का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और हम वहाँ 2 दिन रुके और 2 दिन में हमें बहुत सारी जानकारी मिली, बहुत सारे नवनवे समय मिले। तो उसके लिए सर फाउंडेशन सोलापुर और सिद्धराम जी और बाला साहेब का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू।